हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ जतिंदर सिंह ऑन योर चैनल दी जर्मन मेंटोर, जहाँ सीखते आप जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान वे में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा दो इंटरेस्टिंग कनेक्टर्स, दामिट और उमसू। वीडियो पूरा देखिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके, आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे टाइमली। चलिए शुरू करते हैं। लो स्केट्स टूडेज टॉपिक दामिट और उमसु। कंटिन्यू करते हैं। फाइनल क्लॉज सेंटेंसेस आर एडवर्बियल सेंटेंसेस। दे एक्सप्रेस द रीजन, पर्पस और एन ऑब्जेक्टिव। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज विद दामिट एंड इन्फिनिटिव क्लॉज विद उमसु आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। दे ऑलवेज बीइंग आस्क विद वोजु क्वेश्चंस, व्हाट इज द पर्पस। फ्रेंड्स देखिए, जब कोई क्वेश्चन वोजु के साथ शुरू किया जाएगा तो उसका जो आंसर आपको करना है वो दामिट या उमसु के साथ करना है, और उस आंसर के अंदर जो होगा कोई रीज़न होगा या पर्पस होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। कोई भी काम आप जब कर रहे हैं उसके पीछे जब कोई कारण या कोई रीज़न होगा तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वोजू फॉर्म में जो है पूछा जाएगा। वोजू एक डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन है, जैसे आपके दूसरे वर्ड्स होते हैं वी, वारूम, वान या वॉस। तो दामिट और उमसु के केस में कैसे यूज़ होगा वही आज हम सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दामिट। दामिट का मतलब होता है सो दैट इंग्लिश में, और हिंदी में होता है ताकि। यहाँ दो सेंटेंस हैं, इश लेज़र आइन बुक और दूसरा है इश कान गुड फिस्टीन। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वोजू लेंस टू आइन बुक, वट आर यू रीडिंग अ बुक फॉर, तो वोजू का मतलब वट फॉर होता है या वाई भी हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर वाले दो सेंटेंस जब हम दामिट के साथ बनाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा इश लेज़र आइन बुक कॉमा दामिट ईश गुट फिस्टेन कान। मैं एक बुक पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से समझ सकूँ। तो सो दैट और ताकि जो सेंस होती है वो दामिट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस कनेक्टर का जो यूज़ है वो बाकी कनेक्टर्स की तरह ही है। कनेक्टर आएगा और वर्ब की पोजिशन जो है आपकी लास्ट में जाएगी कॉन्जुकेट होकर आपका नेबन्स आर्ट्स में। ओके, तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। कॉन्टिन्यू करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। Der Reiseleiter liest auf Deutsch, der Tourist versteht ihn. तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा वोजू लीस्ट डेयर Reiseleiter auf Deutsch, तो ऊपर वाले दो सेंटेंस जब कंबाइन हो जाएंगे, जब उसका एक रीज़न बन जाएगा Der Reiseleiter liest auf Deutsch, कॉमा damit der Tourist ihn versteht. ओके, तो ये होगा आपका सेकेंड एग्जाम्पल, आप सेम ग्रामर रूल के साथ। कॉन्टिन्यू करते हैं। देखिए, अगर हम इसको समराइज फॉर्म में देखें, अभी हमने क्या सीखा डे राइजर लाइट अ लिस्ट ऑफ टॉयज कॉमा दामिट डे टूरिस्ट इन फेस्टेट। अब इसमें देखिए, ये आपका था हॉपचार्ट्स और ये था आपका नेबन्सार्ट्स। तो जो कॉमा है वो यहाँ पे होगा इन बिटवीन हॉपचार्ट्स और नेबन्सार्ट्स में। ठीक है, ये बाकी कनेक्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। और जो दामिट होगा, दामिट यहाँ पे काम करेगा एज ए कनेक्टर, और जो फेस्टेट है ये यहाँ पे होगा एट द एंड। ठीक है, तो आपने और भी कनेक्टर्स जो पढ़े हैं सीखे हैं उसमें भी यही फॉर्मेशन रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये एक समराइज फॉर्म में है, हमने एनालाइज किया कि अभी तक हमने क्या सीखा। कंटिन्यू करते हैं सेशन में। देखिए, वी कैन ऑल्सो रिवर्स द ऑर्डर, हम हॉब्सार्ट्स और नेबन्सार्ट्स की पोजिशन को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें, ये नेबन्सार्ट्स है और ये है आपका हॉब्सार्ट्स। तो सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं दामिट डेट टूरिस्ट इन फेस्टेट कॉमा लिस्ट एयर ऑफ दॉइच। बट यहाँ पे एक नोट है, आफ्टर कॉमा वर्ब्स कम्स ऑन द फर्स्ट पोजिशन देन सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हॉब्सार्ट्स पीछे आएगा तो वर्ब की पोजिशन पहले हो जाएगी और सब्जेक्ट उसके बाद में जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्म ठीक हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रामर वाइज दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, बस आपको जो है वर्ब की पोजिशन ध्यान में रखनी है। ओके, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल और। ईश्वर दास राडियो इश्कांति नाकृष्टन हेरन कान। आई लिसन द रेडियो, आई कैन लिसन द न्यूज़। अब क्वेश्चन बनेगा वोजू हेयोस्ट दू दास रेडियो, तो इसको हम कंबाइन करके बना सकते हैं इश्योरा दास रेडियो कॉमा दामिट इश दी नाकृष्टन हेरन कान। ठीक है, तो दामिट आएगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की पोजिशन जो है कॉन्जुकेट होकर लास्ट में जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था सेशन यहाँ तक दामिट के केस में। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उमसु। उमसु जो है वो दामिट से कैसे अलग होता है। ठीक है, देखिए, इन्फिनिटिव सेट्स मिट उमसु,
या फिर हम कह सकते हैं इनफाइनाइट क्लॉज विथ उमसू इन ऑर्डर टू फॉर द पर्पस ऑफ। तो इसका भी जो फॉर्मेशन होता है वो किसी पर्पस या ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन दामिट से थोड़ा अलग होता है। वो कैसे, देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, इशफार शनैल इशराइशा प्यंकलिश। अगर हम इसको उमसू के साथ बनाना चाहें तो इशफार शनैल कॉमा ओम प्यंकलिश सू एराइशन। तो यहाँ पर अगर आप देखें निबंध आर्ट्स के अंदर जो है इश जो सब्जेक्ट है वो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होगा ओम के साथ, ठीक है, और आपका जो है सू होगा वो सेंटेंस के फ्रेज के सेकंड लास्ट पोजीशन पे, और लास्ट में होगा आपका मेन वर्ब जो कॉन्जुकेट नहीं होगी, इनफिनाइट फॉर्म उसकी रहेगी, ठीक है। तो दामिट और उमसू के केस में यही फ़र्क होता है, सब्जेक्ट आपका निबंध आर्ट्स में रिपीट नहीं होगा और जो सू है उसके आगे जो वर्ब आएगा वो इनफिनाइट फॉर्म में रहेगी, ठीक है। तो ये था मेन डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर सेम क्वेश्चन को हम वोजू के साथ यूज़ करेंगे, वोजू फेस टू शनैल वाई यू ड्राइव फास्ट, तो आंसर सेम रहेगा इशफार शनैल कॉमा ओम प्यंकलिश सू एराइशन, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल और, इश बेजू का ऑफ मैंने एल्टन इश ट्रेफर्स सी। अगर हम ओमसू के साथ बनाएंगे तो इश बेजू का ऑफ मैंने एल्टन ओम सी सू ट्रेफन, ओम आ गया, फिर आपका जो है सू सेकेंड लास्ट पोजिशन पे और जो वर्ब है वो लास्ट में इन्फेनाइट फॉर्म पे, ठीक है। वर्ब रहेगी एंड में, सब्जेक्ट आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से। देखिए वो सू ट्रिप्स टू ऑफ दाइन एल्टन, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सेम आंसर है इश बेजू का मैंने एल्टन उम सी सू ट्रेफिन। देखिए वेन टू यूज़ उम सू, तो फ्रेंड्स उम सू के केस में भी हम एक बार देख लेते हैं समराइज फॉर्म में कि हमने क्या सीखा। सेम सेंटेंस है, इश बेजू का मैंने एल्टन उम सी सू ट्रेफिन, ये आपका हाउपट्साट्स, ये आपका नेबन्साट्स, ऊपर वाले सेंटेंसेस में जो था इश कॉमन था, ठीक है। यहाँ पे जो उम और सू का जो पोजीशन रहेगा, उम आफ्टर कॉमा और सू बिफोर वर्ब, और जो आपका ट्रेफन है ये आपका रहेगा एट द एंड इन इन्फिनिटिव फॉर्म, ठीक है। और इश जो है वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है नेबन्स आर्ट्स में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इसका रूल है उम सू के केस में, ठीक है। आई होप कि आपको अब फ़र्क पता लग गया होगा दामिट और उम सू के केस में। अब कंटिन्यू करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग वर्ब्स के साथ उमसू कैसे यूज़ किया जाता है। विद टू वर्ब्स वियर गेन ऑफ द बैग वियर क्यूनन उन्स एर होलन, ठीक है। अब देखिए अब इसको अगर हम उमसू में बनाएंगे तो वियर गेन ऑफ द बैग उम उन्स एर होलन सू क्यूनन। तो इसमें जो नोट है, देखिए सेकंड वर्ब विल गो एट द एंड आफ्टर सू, ठीक है। जो ऊपर का जो सेकंड फ्रेज था उसका जो वर्ब है राइट, जो सेकंड पोजीशन पे है वो अब जाएगा वर्ब के सेंटेंस के एंड में नेबन्स आर्ट्स में, ठीक है। ये टू वर्ब्स के अंदर जो इसका रूल होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और वर्ब्स के साथ कैसे काम करता है। अगर त्रेन बारन वर्ब है तो त्रेन बारन वर्ब जैसे आपको मालूम है कि प्रीफिक्स होता है वो ब्रेकअप हो जाता है, वो जाता है सेंटेंस के एंड में और मेन वर्ब कॉन्जुकेट हो जाती है। इश बेनुसा डेन अलार्म इश टेयर फ्र्यू आम मोगन हाउफ, तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा इश बेनुसा डेन अलार्म कॉमा उम फ्र्यू आम मोगन आउफ सू स्टेन। तो यहाँ पे जो सू की पोजीशन होगी प्रीफिक्स और वर्ब के बीच में होगी अगर आप टेंड बारन वर्ब चूज कर रहे हैं। तो नीचे मैंने नोट भी लिखा, सू विल कम बिटवीन द प्रीफिक्स एंड द मेन वर्ब। विथ परफेक्ट टेंस वियर जिन नाक पारिस के फारन वियर हापन डेन आईफल टोम गिजियन, तो इस केस में कैसे बन जाएगा सेंटेंस, वियर जिन पारिस के फारन उम टेन आईफल टॉम किजेन सू हाबन। तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है हाबन वो अब यहाँ पे जाएगी एज अ इन्फिनिटिव फॉर्म सेंटेंस के एंड में अगर आप परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं। तो नीचे मैंने नोट भी लिखा है, सू विल कम बिटवीन पार्टिसिप परफेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब इन द इन्फिनिटिव फॉर्म, ओके। अच्छा अब लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगा वेन टू यूज दामिट एंड उमसू। देखिए किसी भी सेंटेंस को आप दामिट और उमसू के साथ बना सकते हैं। समवन कैन यूज़ ऑल द फाइनल सेंटेंसेस विद दामिट एंड उमसू, सब्जेक्ट इज ऑल्सो सेम। एग्जाम्पल देखिए, इश लर्नर डॉयच डैगलिश इश स्प्रेशर फ्लिजेंट डॉयच। अब इस सेंटेंस को अगर दामिट में बनाना हो, इश लर्नर डॉयच डैगलिश दामिट इश फ्लिजेंट डॉयच स्प्रेशर। अब उमसू के साथ भी हम बना सकते हैं, इश लर्नर डॉयच डैगलिश उम फ्लिजेंट डॉयच सू स्प्रेशन। देखिए इन बोथ सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज सेम इश। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर सेंटेंसेस को तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं दामिट और उमसू के साथ, लेकिन कुछ
कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें उमसू यूज नहीं हो सकता, वो कैसे देखिए, व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट सेम देन समवन कैन मेक सेंटेंसेस विद दामिट ओनली, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट सेम नहीं है वो सिर्फ दामिट के साथ ही बन सकते हैं, उमसू के साथ नहीं बन सकते हैं, लॉजिकली नहीं बन सकते हैं। देखिए, इश अरबाइट श्नेल माइने हाउस ऑफ कार्बन इन इमर फैटिक, तो यहाँ पे दो अलग सब्जेक्ट हैं, इश और माइने हाउस ऑफ कार्बन, ठीक है, दामिट के साथ ये बन सकता है, इश अरबाइट श्नेल कॉमा दामिट माइने हाउस ऑफ कार्बन इमर फैटिक सिंट, लेकिन उमसू के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप बनाना भी चाहें तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, इशर बाई टनल ओम माइने हाउस ऑफ कार्बन सुजिन, नहीं ये ठीक नहीं है, अपने आप में ठीक नहीं है। तो जिसमें सब्जेक्ट अलग अलग हैं वो दामिट के साथ बन सकते हैं लेकिन उमसू के साथ नहीं बन सकते हैं, ठीक है, यही एक मेन डिफरेंस है, ठीक है। और नोट भी मैंने लिखा नीचे, वेन द सब्जेक्ट इज डिफरेंट इन टू सेंटेंसेज कैन बी मेड थ्रू दामिट ओनली बट नॉट विथ उमसू। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन, दामिट और उमसू के साथ मैंने आपको सिखाया एग्जाम्पल्स के साथ दोनों में डिफरेंस क्या है, आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट करिए। तो ये था आज का सेशन, लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, जर्मन पढ़ते रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मैं हूँ जतिंदर सिंह, बहुत जल्दी मिलूँगा एक नए टॉपिक, एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और जर्मन पढ़ते रहिए जर्मन मेंटोर पे, जल्दी मिलेंगे, ट्यूज़।